एलिटा का कुकटॉप जो अपन टेबल टॉप बोलते हैं, एकदम स्लिम लुक में निकला हुआ है। इसका मॉडल नंबर है 904 CT Vetro 2J TKN Crown DT Series। इसमें है ये टफन ग्लास दिया हुआ है जिसका 5 ईयर वारंटी आता है। इसमें नॉब टॉप पे ये किया हुआ है, डिज़ाइन किया हुआ है जो काफ़ी अच्छा लगता है, इजी टू क्लीन होता है। तो इसमें आपको बर्नर साइज बताता हूँ, इसमें दो जंबो बर्नर्स है, एक मीडियम है और एक स्मॉल है। और अपने जो रेगुलर बर्नर्स होते हैं कोई भी गैस स्टोव्स के, उससे काफ़ी अच्छा फिनिशिंग वगैरह दिया हुआ है। इसमें आपको क्लीनिंग के टाइम बिल्कुल भी आपके हाथ को लगेगा नहीं, क्योंकि इसमें कुछ बर्स वगैरह नहीं है, एकदम अच्छे से फिनिश किया हुआ है। ये काला भी नहीं होता है और इसमें आप ये सब चीज़ें निकाल के इजीली वॉश कर सकते हो। ये है डिप ट्रे, जैसे कि अपन कुकिंग करते टाइम पे इस पे कुछ चीज़ें उबल के गिर जाती है, तो आप इसको अलग से निकाल के वॉश कर सकते हो, बर्नर निकाल के वॉश कर सकते हो। और ये जो है वो पैन सपोर्टर जिसको अपन ग्रिड बोलते हैं ना, ये भी पूरा कास्ट आयरन का दिया है जो कि कभी कोटिंग नहीं निकलेगा। अगर आप घर का गैस स्टोव देखोगे तो घर के गैस स्टोव की जो सिगड़ी होती है उसकी ये पैन सपोर्टर की पूरी कोटिंग निकल जाती है, रस्ट होता है। तो ये चीज़ें ये वाले एलिका के कुकटॉप में नहीं होगा, इसको आपको ऐसे ही रखना है। सपोर्ट काफ़ी अच्छा है, कितना भी आप हैवी वेट रख सकते हो कि 10-12 kg का वेट आपका ये अच्छे से कैरी कर लेगा। ये साइड में एक जंबो बर्नर है, राइट साइड में एक जंबो बर्नर है, वैसे ही राइट साइड में एक, बैक साइड में आपको मीडियम बर्नर्स दिया हुआ है और लेफ्ट साइड में एक स्मॉल बर्नर्स दिया हुआ है। तो ऐसे पूरा डिज़ाइन किया है, इसको रोम्बल शेप डिज़ाइन बोलते हैं। इसका ऐसा साइज़ है 88 सेंटीमीटर और ऐसे ब्लैक और वाइट ग्लास कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। और अभी इसका मैं आपको पूरा फ्लेम दिखा देता हूँ कि कैसे फ्लेम है इसकी, जंबो बर्नर्स की, मीडियम और स्मॉल बर्नर्स की। तो अभी मैं इसको ऑन करने जा रहा हूँ। इसका डिज़ाइन आप देख रहे हो, हम आपको दिखा रहे हैं, एकदम स्लिक डिज़ाइन है। और अगर आपको डाउट्स है इतना स्लिक में कि हम उठा के क्लीन वगैरह कैसे करें, तो आप इसको परचेज करने के बाद टेक्नीशियन से या आप खुद भी 4 लेग्स लगा के इसकी हाइट चेंज कर सकते हो। ये लेग्स निकाल के आप इजी टू चेंज कर सकते हो। तो ये ऐसे स्लिक लुक है और इसको अभी हम ऑन करने जा रहे हैं। ये है जंबो बर्नर, तो इसको मैं अभी ऑन कर रहा हूँ, तो आप इसका फ्लेम देख सकते हो। इसमें बाकी गैस स्टोव से गैस सेविंग भी होता है क्योंकि इसकी इंपोर्टेड क्वार्टर जेट्स यूज़ करती है कंपनी। और इसको आप ये फुल फ्लेम देख रहे हो, तो अभी आप इसको सिम करोगे तो ये ऐसे ऐसे सिम हो जाएगा पूरा। ये अभी स्लो फ्लेम है इसका और पूरा ब्लू फ्लेम टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से आपका यूटेंसिल्स ब्लैक नहीं होता है। तो ये है इसका फुल बर्नर फ्लेम जंबो वाला। इसमें अभी हम देखने जा रहे हैं बैक साइड का स्मॉल बर्नर की फ्लेम। तो ये मैं अभी ऑन कर रहा हूँ स्मॉल बर्नर, सॉरी मीडियम बर्नर। तो ये है अपना मीडियम बर्नर का फ्लेम, जो आप कोई भी टाइप का कुकिंग कर लो, एकदम प्रॉपर इंडियन कुकिंग का डिज़ाइन किया हुआ बर्नर है ब्रास का। इसको अभी ये फुल फ्लेम है तो इसको मैं भी सिम करके दिखा रहा हूँ आपको। ये है स्लो फ्लेम इसका, इस पे आपका कभी कोई यूटेंसिल्स ब्लैक नहीं होता है, लॉन्ग टाइम इसका ऐसा ही फ्लेम रहेगा। ये है मीडियम बर्नर और अभी मैं ऑन करने जा रहा हूँ इसका सबसे स्मॉल बर्नर। तो ये अभी स्मॉल बर्नर का सबसे हाईएस्ट फ्लेम है। इसको अगर मैं एकदम स्लो कर दूँ तो स्लो में इसका इतना फ्लेम आता है, जो नॉर्मली अपन काफ़ी टाइम तक दूध वगैरह ये करते हैं गर्म वगैरह, तो उसके लिए ये ज़्यादा यूज़ होगा आपको। और आप देखोगे तो इस पे स्पेस काफ़ी अच्छा डिज़ाइन किया हुआ है, तो आप अगर एट ए टाइम इस पे 4 भी बर्तन रख रहे हो तो आपको यूज़ करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। आप अच्छे से रख सकते हो इस पे, इस साइड में, इस साइड में, यहाँ पे बैक साइड का भी यूटेंसिल्स आपको यूज़ करने के लिए एकदम प्रॉपर स्पेस बनाया हुआ है, डिज़ाइन किया हुआ है इसको। तो ये है अपना एलिका का कुक टॉप जो न्यू डिज़ाइन टॉप नॉब में निकाला हुआ है। काफ़ी अच्छा सेलिंग है, काफ़ी अच्छा फीडबैक है इसका और हमारा वेबसाइट्स पे काफ़ी हमने बेचे हैं, तो सब लोग खुश है एकदम प्रॉपर।